What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 6 नवंबर 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:37 हो रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। कल जो हमने मार्क किया था ब्रेकआउट लेवल फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स से भी थोड़ा सा ज्यादा गैप अप ओपन हमें देखने को मिला और लगातार निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ यहाँ से बढ़ा। तो कल का जो हमने प्री प्लान मार्केट से पहले जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग कल यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। तो ये कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू भी था। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे और कहाँ पर अभी आने वाला रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पर सपोर्ट होगा, ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल भी यूएस मार्केट में देखे तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नासडैक करीब 300 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। अभी भी फाइनल रिजल्ट्स आए नहीं है, वहां पर काउंटिंग थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। तो मार्केट भी लगातार जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा ये देखने लायक होगा। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो जबरदस्त तेजी वहां पर देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब खुले तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा कमजोर हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स 262 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाओ फ्यूचर को देखें तो अभी इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कहां पर निफ्टी जाकर रुकता है ये देखने लायक होगा। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं उनके लिए क्विकली मैं ट्रेडिंग फैब का इंट्रो देना चाहूँगा। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग भी है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप जो है हमारी वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है और एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर। आपको क्या करना है, अगर अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। अपस्टॉक्स की तरफ से भी एक ऑफर है, ये ऑफर 8 नवंबर तक है। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिल सकती है। अकाउंट ओपनिंग तो एब्सोल्युटली फ्री में ही है और उसके बाद 30 डेज के लिए आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप 30 डेज उसके बाद ट्रेडिंग करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था एक क्विकली इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में जैसे कि हम देख रहे थे लास्ट चार वीक से ये 11,931 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। अभी भी ये लास्ट दिन बाकी है वीक खत्म होने में, ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दिन बाकी है वीक खत्म होने में। तो कहाँ पर क्लोज देता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर की तरफ 12,283 यानी ऑलमोस्ट 300 के पास रेजिस्टेंस होगा अगर यहाँ से तेजी बरकरार रहती है तो, और अदरवाइज 11,930 के पास सपोर्ट होगा। अभी ये वीकली चार्ट का सीनारी है। चलते डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जो हम देख रहे थे इस लेवल के पास यानी अराउंड 12,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तीन टाइम इसने इस लेवल को छुआ, पेनेट्रेट किया और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो कल इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट मिलते वक्त यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है। तो ये गैप हमेशा फ्यूचर में फील होता है। तो अगर यहाँ से निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार 12,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें फिर से ये गैप यहाँ पर फील करते हुए दिखाई दे सकती है। ये गैप अप ब्रेकआउट मिला है तो सस्टेन यहाँ पर अगर करता है तो ही यहाँ से हमें ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स और नए हाइस के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट की चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर डबल बॉटम यानी राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था, उसके बाद ये जबरदस्त तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली। एक यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, एक यहाँ पर राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी इंडेक्स काफ़ी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन आए क्योंकि ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट लेवल हमारा बनेगा कल का ये जो हाई है यानी 12,131 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,152, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा
12,165 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जहां से निफ्टी ने एक कल छोटा स्विंग लो बनाया है वो हमारा होगा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, यानी 12,079 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,062, एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,046, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।